नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है रोज़ रसगुल्ले की, और ये हमारी ट्रेडिशनल वाइट रसगुल्ले की रेसिपी से अलग है। तो मैं ये कह सकती हूँ आपको कि आपको ये वाइट रसगुल्ले के कंपैरिजन में ये रसगुल्ले ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए हम इसके इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 लीटर दूध लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बड़े नींबू का जूस लिया है, बड़ा साइज़ का जो नींबू आता है उस नींबू का जूस निकाला है हमने। हमने ये मार्केट में जो रेडीमेड रोज़ का शरबत आता है वो लिया है 1 कप। उसके बाद हम इसके लिए लेंगे कुछ चीनी, लेंगे 1/2 कप जैसी। उसके बाद हम लेंगे कुछ गुलाब की पत्तियाँ लेंगे, सूखी हुई है ये। हमने 1/2 लीटर पानी लिया है और 1 गुलाब का फूल लिया है। सबसे पहले हम दूध उबाल लेंगे। ये हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है, यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लेंगे तो उससे हमारे रसगुल्ले जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो आप यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क का ही इस्तेमाल करें, टोन मिल्क का इस्तेमाल ना करें। और इस दूध को हमें उबालना है। अच्छा, आप देखिए हमारा दूध अच्छा उबल चुका है। दूध अच्छा जब आपका उबल जाए तब आप उसको 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा कर लें। आपका दूध जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी हम उसका छेना बनाएंगे। गरम दूध का छेना नहीं बनाएंगे, उससे आपका छेना अच्छा नहीं बनेगा तो रसगुल्ले भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब हमारा दूध थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम छेना बनाएंगे। इस तरह से हम नींबू का रस डालेंगे इसमें, चारों तरफ से फैला के। अच्छी तरह से फैला लीजिए, फिर इसको हम मिक्स करेंगे, देखेंगे हमारा छेना बना कि नहीं। अभी नहीं बना है, हम इस स्टेप को वापस से रिपीट करेंगे एक बार फिर से। इसी तरह से साइड में करते हुए इसमें नींबू का रस डालें। अब वापस हिला के देखेंगे, अब हमारा छेना बनना शुरू हो गया है। ये देखिए हमारा छेना बन चुका है। अब हम इसको ज़्यादा देर इसमें नहीं रखते हुए इसको हम फटाफट पानी से अलग कर लेंगे। इसको इस तरह से एक छन्नी में कॉटन का कपड़ा लगाएं, फिर उसके ऊपर ऐसे डालते हुए पानी और छेना अलग अलग कर लीजिए। फिर उसको इस तरह से उठाते हुए हल्के हाथों से दबाते हुए इसका थोड़ा पानी निकाल लीजिए। काफ़ी गर्म है तो फिर जितना निकाल सकते हो उतना ही निकालें। फिर हम वापस से इसको छन्नी में रखेंगे। अब हम इसको धोएंगे जिससे नींबू का खट्टापन जो है वो निकल जाए इससे, और हमारा छेना भी थोड़ा ठंडा हो जाए। साफ़ पानी से इसको धोएंगे, इस तरह से करके धो लीजिए इसको। इसको अच्छे से धोने के बाद हम वापस से उसी तरह से इसका पानी निकालेंगे। दबाते हुए इसका पानी निकाल लीजिए। जब ये निकल जाएगा तब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद अच्छे से हाथ के इस हिस्से से हम ऐसे करके इसको अच्छे से मसलेंगे छेने को। हमें छेने को बहुत अच्छे से मसलना है, क्योंकि जितना अच्छा मसलेंगे उतने ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बनेंगे। इस तरह से करते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हमें छेने को मसलना है। मसलते मसलते हमारा छेना बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। आप देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा, एकदम जैसे कोई सॉफ्ट बटर होता है वैसा। फिर इसको हम ऐसे थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, और हम इसमें ये गुलाब की जो पत्तियां हैं हमने इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया है, 1 बड़े चम्मच जैसा वो डालेंगे इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। जितने साइज़ के हमें रसगुल्ले चाहिए उसे हाफ़ साइज़ के हम बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि वो फूल के डबल हो जाते हैं। इसलिए इस तरह से हाथ से अच्छे से टाइट से दबाते हुए रसगुल्ले बनाएं, आपके रसगुल्ले अच्छे बनेंगे। और आप अगर इस तरह से नहीं दबाएंगे अच्छे से टाइट से तो आपके रसगुल्ले जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और वो घुल जाएंगे पानी में। चाशनी हम जो उबालेंगे जिस चाशनी में, उसको इस तरह से करते हुए आप सारे रसगुल्ले बना लीजिए अच्छे से दबाते हुए। हमारे रसगुल्ले तैयार हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। एक कढ़ाई में पानी गर्म करें, 1/2 लीटर पानी लिया है हमने, उसमें चीनी डालेंगे और इसको हम उबालेंगे। जब अच्छा उबल जाए तब इसमें गुलाब का शरबत डालेंगे।
जब ये भी अच्छा उबल जाए तब हम इसमें अपने रसगुल्ले डाल देंगे। हमेशा बर्तन का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा लें, क्योंकि ये फूल जाएंगे तो आपस में ये एक दूसरे से टकराए ना, इसलिए थोड़ा बड़ा लेंगे तो उसको भी फूलने की जगह मिलेगी, रसगुल्लों को भी। फिर हम इसको ढक के एकदम घड़ी के हिसाब से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। 6 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे, इसको हम थोड़ी सी मिक्स करेंगे। फिर हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। पकाते हुए इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और ठंडा करेंगे। रसगुल्ले को हमेशा हाई हीट पे ही पकाएं। हम इसको बोल में ट्रांसफ़र करके ठंडा कर दिया है हमने। अब हम इसे सर्व करेंगे। रसगुल्ले हमेशा ठंडे सर्व करे जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको फ्रिज में रखिए और फिर इसको 2-3 घंटे तक अच्छे ठंडे करिए और फिर खाइए। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। आप ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने वैल्यूबल फीडबैक और कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।